आप इतना सक्षम हैं कि सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है ना, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। जो लोग इलाहाबाद से लौट रहे हैं ट्रेनों से, उनको ट्रेन से उतार उतार करके सबसे पूछा जा रहा है। मतलब एक आतंक राज कायम कर दिया गया है। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं बढ़ेगा इंडिया, आप रोजगार दीजिए, रोजगार से बढ़ेगा इंडिया। एक बेटी को ना उसका पढ़ाई का हक मिल रहा है, ना वो सुरक्षित इस देश में महसूस कर रही है। मैं दिशा छात्र संगठन की तरफ से। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के साथ पहले प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और अब सड़कों पर उतरने से मना कर रही है, आप लोग इस आवाज़ को कहां तक ले जाएंगे? देखिए साफ बात है, जिस तरीके से 24 जनवरी को तमाम जगहों पर रेल रोका गया और छात्रों का गुस्सा अचानक से फूटा है, हम बात कर रहे हैं कि सरकार इसको लगातार दबाने का काम कर रही है। आप देख लीजिए यहाँ पे भिकना पहाड़ी पे जब छात्र जुटे हुए थे तब भी उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया। इसके अलावा आप यूपी में देख लीजिए, बर्बर तरीके से छात्रों को लॉज में घुस घुस करके पुलिस वाले निकाल करके पीट रहे हैं, उनको उनकी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। जो लोग इलाहाबाद से लौट रहे हैं ट्रेनों से, उनको ट्रेन से उतार उतार करके सबसे पूछा जा रहा है। मतलब एक आतंक राज कायम कर दिया गया है, क्योंकि ये सरकार डरी हुई है, ये डरी हुई है कि छात्र अपने हक के लिए, छात्र हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, छात्र सवर्ण दलित नहीं कर रहे हैं, वो अपने हक के लिए रोजगार के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं, तो इनकी पोल पट्टी नहीं खुल जाए। मांग तो मान ली गई है, फिर भी क्यों छात्र? कौन सी मांग मान ली गई? आपका जो आंदोलन कर रही थी, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, कमेटी बना दी गई, देखिए हमारी पहली डिमांड तो ये है, ये जो फर्जी एफआईआर किया गया है इसको वापस लिया जाए। दूसरा, रेलवे ने एक नोटिस निकाला है, रेलवे बोर्ड ने, कि स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में भागीदारी कर रहे हैं उनको रेलवे में जॉब नहीं दिया जाएगा अगर किसी का नाम चिन्हित होता है, इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, ये छात्र विरोधी नोटिफिकेशन है। तीसरी मांग है कि ये जो धांधली हुई है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, ये धांधली में आप दिव्यांग सेल बैठा दिए, आप कमिटी बैठा दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मार्च तक स्टूडेंट्स अपना जो भी दिक्कत है वो शेयर करते रहें, और उसके 2019 में जब ये पोस्ट की वैकेंसी निकली थी उसके बाद 3 साल हो गया है और अभी तक छात्रों को उनका जॉब नहीं मिला है। ये प्रक्रिया जितनी लंबी खींचेगी सरकार उतनी लंबी इसको खींचना चाहेंगे। क्यों खींचना चाहेंगे? इसलिए खींचना चाहेंगे, अभी ये बोल करके शांत कर दिए कि भाई तुम लोग का ग्रीवियांस सेल तो बन गया है, आप उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराओ। ये चुनाव के बाद, जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके ठीक बाद ये और प्रक्रिया लंबी खींचेंगे, जिससे कि जॉब मिलने में, नियुक्ति मिलने में छात्रों को और देरी होगी। तो ये प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। और चौथी ये डिमांड है कि ग्रुप डी में जो पहले एक ही एग्ज़ाम होता था, अब अचानक से 2 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, इसको वापस लिया जाए, इस नोटिफिकेशन को, एक ही एग्ज़ाम लिया जाए ग्रुप डी में। स्किल इंडिया पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और आप हाथों में मोदी सरकार मुर्दाबाद का बैनर लेके इस वक्त खड़ी हैं, एक बेटी होने के नाते आप क्या कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से सड़कों पर पीटा जा रहा है लड़कों को, ये भी आवाज़ उठ रही है कि लड़कियां जो है वो सड़कों पर नहीं आ रही है, भीख में उनको मिल जाता है हर बार आरक्षण की वजह से, इस पर क्या बोलना है? लड़कियों का आरक्षण की वजह से भीख में मिल जाता है, ये भी बातें उठ रही हैं, एक बेटी क्या बोलना चाहती है इस पर? देखिए साफ बात है कि आरक्षण बस एक क्या बोले, एक झुंझुना है जिसके ज़रिए आपको बांटने की कोशिश की जाती है, लड़का लड़की में, दलित सवर्ण में, है ना, ये एक झुंझुना है, सीधी बात है। लेकिन असल मकसद है, आप देखिए एक पूरी रोटी है, उसमें से एक टुकड़ा फेंक दिए आप किसी फलाना कम्युनिटी को, और एक बड़ा टुकड़ा, उसी टुकड़े में आप बाकी सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और एक बड़ा टुकड़ा आप निकाल ही नहीं रहे हैं, है ना। सीधी बात है कि जिस तरह से वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, सरकारी जॉब्स जो हैं, नौकरियां जो हैं वो कम होती जा रही हैं, और लगातार इसी में आप कितना आरक्षण देंगे? आप इतना सक्षम हैं कि सारे लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है ना, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ आप परमानेंट नहीं कर रहे हैं, आप लगातार आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं, आप ठेकाकरण कर रहे हैं, और सीधी बात है इसमें आप कितना भी आरक्षण दे दें किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये एक टूल है जिससे कि छात्रों को आपस में बांटा जा सके, और कुछ नहीं। और जैसा आप पूछिए कि मोदी सरकार मुर्दाबाद, एक बेटी इस पे क्या कहना चाहेगी? एक बेटी यहाँ पे भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, नहीं महसूस कर रही है, क्यों? उसको नहीं पता कि कब उसके साथ क्या हो जाए, कब
एक ऐसा कठुआ या उन्नाव जैसा केस हो जाए जहां पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं करे, जहां पे उसको अपने आप को आग लगाना पड़े इंसाफ की मांग के लिए, तो बेशक एक बेटी सुरक्षित नहीं है। एक बेटी को ना उसका पढ़ाई का हक मिल रहा है, ना वो सुरक्षित इस देश में महसूस कर रही है। और मोदी सरकार या मोदी सरकार के तहत बैठी हुई आप देख लीजिए, सबसे अच्छी बानगी योगी सरकार में दिखती है, किस तरीके से दमन किया जा रहा है लगातार। मतलब आप बलात्कार के केसेस में जब बीजेपी का मंत्री पकड़ाता है तो उसके खिलाफ, मतलब उस लड़की को इंसाफ लेने के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है, ये इस देश की सच्चाई है। तो मोदी सरकार से यही कहा जाएगा कि आप छात्रों पे, आप छात्रों को आप पे भरोसा नहीं है, आप बहुत बांट लिए, आप हिंदू मुस्लिम में हमें बहुत बांट लिए, आप हम लोग को, अब हम लोग अपनी मांग पे यानी रोजगार की मांग पे, शिक्षा की मांग पे हम लोग सड़क पे उतरे। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि अगर सरकार एक तरफ कहती कि पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, ऐसे पढ़ के जब लाठी डंडे मिलेगी तो क्या इसे मनोबल टूटता है एक विद्यार्थी का? बिल्कुल टूटता है। आप देखिए जिस तरीके से दमन किया जा रहा है छात्रों के इस आंदोलन का, सीधी बात है सरकार इससे डर रही है। सरकार क्यों डर रही है? सारी चीज़ें होने के बाद भी सरकार डर रही है कि लोग उनसे डरना छोड़ देंगे, है ना? तो हम आज बात कर रहे हैं कि इसके खिलाफ छात्र चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर के, रोजगार की मांग, पक्के रोजगार की मांग को लेकर के हम लोग हैं, पढ़ भी लेंगे। और पढ़ करके जैसे पीएचडी किए हुआ किसी कोई छात्र जा करके रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है या चपरासी की नौकरी कर रहा है तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं बढ़ेगा इंडिया, आप रोजगार दीजिए, रोजगार से बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। तो इस आंदोलन में कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो लगातार ये सवाल पूछ रही है कि अगर आपके सरकार में एक बेटी सुरक्षित नहीं है और इस तरह की पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि अगर हम पढ़ लें, हम चार साल उस पढ़ाई के लिए, उस नौकरी के लिए लगातार सड़कों पर है, उसके बावजूद भी अगर लाठी डंडे मिलेंगे तो इससे मनोबल तो टूटता ही है। बहरहाल आप तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।